सलमान खान का कंट्रोवर्शियल शो बिग बॉस 14 जिसमें एक कंटेस्टेंट है पवित्र पुनिया, जो कि काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी, काफ़ी ज़्यादा चर्चित हो रही हैं, सुर्खियों में छा रही हैं अपने कुछ ऐसी हरकतों को लेकर। जी हाँ, कुछ ऐसी हरकतें जो कि सोशल मीडिया पर पवित्र पुनिया के खिलाफ चल रही हैं। आपको बता दें कि एक्स कंटेस्टेंट जो हैं पारस के बारे में कुछ ऐसा बोला गया था पवित्र पुनिया की तरफ से, क्योंकि वो उनके एक एक्स बॉयफ्रेंड थे, तो ये बोला गया था कि पारस जो है वो उनकी एक बड़ी मिस्टेक थे। और अब आपको बता दें कि इसी बयान पर पारस ने सबसे पहले स्लैम किया पवित्र पुनिया को। बोला गया कि जब वो उनके साथ रिलेशनशिप में थी पवित्र पुनिया, तब वो ऑलरेडी शादीशुदा थी। उनको ये बात तब पता चली जब पवित्र पुनिया के का जो हस्बैंड है उसने पारस को मैसेज किया कि तुम एक दूसरे के साथ जब तक रह सकते हो तब तक रहो, लेकिन पहले मेरा डिवोर्स होने दो। सो आपको बता दें कि उन्होंने बोला कि एक शॉकिंग खुलासा किया कि जो पवित्र पुनिया है वो ऑलरेडी शादीशुदा थी, उसके हस्बैंड ने मुझे मैसेज करा और बोला कि अभी तक डिवोर्स नहीं हुआ है, जब तक डिवोर्स नहीं हो जाता तब तक दूर रहो। और अब आपको बता दें जो माहिरा शर्मा है, जो कि पारस की जो गर्लफ्रेंड बिग बॉस में जो उनका प्यार शुरू हुआ था, अब पारस पर जो इल्ज़ाम लगाए हैं पवित्र पुनिया ने, उसको लेकर जो माहिरा शर्मा है उन्होंने पवित्र पुनिया को ही धमका दिया। जी हाँ, कुछ ऐसा धमकाया कि पवित्र पुनिया अगर उस बयान को पढ़ेंगी तो शायद वो शॉक में रह जाएंगी। अब आपको बता दें कि माहिरा शर्मा ने क्या कहा। माहिरा शर्मा ने कहा कि मैं हमेशा सच के साथ खड़ी हूँ और खड़ी रहती हूँ और खड़ी रहती थी पहले भी और अभी भी। वो कहती हैं कि मैंने उनको काफ़ी सपोर्ट किया, बट वो हमेशा झूठ का सहारा लेती थी। वो कहती थी कि मुझे समझ में नहीं आता कि जो जब नागिन 3 के दौरान, नागिन 3 जब शूट हो रहा था जिसमें जो पवित्र पुनिया है उन्होंने नागिन का रोल किया था, वो कहते हैं कि वो मुझे पता था कि वो मैरिड थी ऑलरेडी, और उन्होंने जो खुलासा किया है ये खुलासा किया है कि वो शादी होने के बावजूद भी वो 3 उनके आदमियों के साथ, एक तरह से एक तो उनके हस्बैंड हो गए और 2 आदमियों के साथ, 2 के साथ उनके रिलेशनशिप थे, मतलब 2 मैन के साथ उनके रिलेशनशिप थे और एक उनके हस्बैंड थे। सो उन्होंने बोला कि शी वॉज 3 टाइमिंग एंड नाउ शी इज ब्लेमिंग पारस। सो पारस पर जो पवित्र पुनिया ने जो बयान दिया था, इस पर माहिरा शर्मा ने बोला कि जो पवित्र पुनिया है उन्होंने कि शी वॉज डेटिंग 2 मैन एंड बींग मैरिड टू 1, 3 टाइमिंग एंड ब्लेमिंग पारस। वो कहते हैं कि जब वो 3 लोगों के साथ, एक तरह से 3 के साथ उनका अफेयर चल रहा है, उसके बाद भी वो पारस को ब्लेम कर रही है कि वो बड़ी मिस्टेक है। जी हाँ, एक जो खुलासा किया है, आपको बताते हैं कि ये माहिरा शर्मा ने जो बहुत बड़ा खुलासा किया है पवित्र पुनिया के बारे में, वो कहते हैं कि पवित्र पुनिया एक अबला नारी का कार्ड प्ले कर रही हैं, विक्टिम कार्ड प्ले कर रही हैं, लेकिन वो कहते हैं कि स्टॉप प्लेइंग विक्टिम कार्ड, स्टॉप प्लेइंग एन अबला नारी, बिकॉज यू आर नॉट डेटिंग 2 मैन एंड बींग मैरिड टू 1, 3 टाइमिंग एंड ब्लेमिंग पारस। वाओ, स्कैंडल इज योर सेकेंड नेम, कॉन्ट्रोवर्सी इज योर 24/7 मूड, सच इज योर पर्सनैलिटी, इफ एट ऑल आई एंटर बिग बॉस आई विल मेक श्योर द वर्ल्ड नोज द ट्रुथ। आपको बता दें कि ऑलरेडी पारस का भी बयान आया था सुबह ही, जिसमें पारस ने बोला था कि बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो कि पवित्र पुनिया के खिलाफ हैं, लेकिन वो नहीं बोलना चाहते, ये बातें वो नहीं निकालना चाहते सोशल मीडिया पर, जिससे पवित्र पुनिया के इमेज पर काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ सकता है। लेकिन आपको बता दें कि कुछ अब ऐसी बातें जो स्पॉट बॉय के हवाले से खबर आ रही है कि जो माहिरा शर्मा हैं उन्होंने जो खुलासे करे हैं बड़े बड़े, वो कहते हैं कि 2 आदमियों के साथ उनके अफेयर चल रहे थे और एक के साथ, जब उनकी ऑलरेडी वो मैरिड थी उसके बावजूद भी वो उनके अफेयर चल रहे थे, और उन्होंने बोला कि कैसे वो पारस को ब्लेम कर रही है। जी हाँ, आप देख सकते हैं कि कैसे इस कॉन्ट्रोवर्शियल शो में कॉन्ट्रोवर्सी जो है इन एक्ट्रेस के साथ, ये जो टीवी के कुछ ऐसे एक्टर एक्ट्रेस हैं जो कि ऑलरेडी एक कॉन्ट्रोवर्शियल शो में हैं बिग बॉस में, और ऑलरेडी इन पर इतनी बड़ी बड़ी कॉन्ट्रोवर्सी निकल कर सामने आ रही है। आप क्या कहना चाहते हैं इस पूरी खबर के बारे में, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।